यातायात पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए युवा बेरोजगार ऑटो एसोसिएशन के नेतृत्व में ऑटो चालकों ने मंगलवार को हड़ताल घोषित कर दिया और कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डीएम कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर पहुंचे एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा और सीओ कैंट प्रभात राय ने ऑटो चालकों से बात किया और उन्हें आश्वस्त किया कि ऑटो चालकों का किसी भी प्रकार से उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। अगर कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसपी ट्रैफिक के इस आश्वासन के बाद ऑटो चालकों ने अपना हड़ताल वापस ले लिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारी और एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया। हम लोग अपनी मांग रखे क्योंकि हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, नो पार्किंग नहीं यहाँ पे है और हम लोग बहुत परेशान हैं। इस वजह से हम लोग आए यहाँ पे, एसपी साहब ने हम लोगों का बात सुना और हम लोग की मांग पूरी हुई। क्या मांग थी? हमारी मांग थी, क्या भाई बोलिए, हमारी मांग थी सर बीच वाली सीट न कटे, हमारे किसी ऑटो भाई चालक को परेशान न किया जाए। और वो और अगर हम ऑब्जेक्शन करते हैं, नंबर गाड़ी का नोट करते हैं, उसके बाद गाड़ी चलान करा देते हैं, गाड़ी भेज देते हैं यार में, यार में जाने का मतलब 1,500 रुपया समय बर्बाद देना पड़ता है, समय बर्बाद करना। ये हमारे एक ऑटो भाई चालक 5-5 रुपये इकट्ठा करते करते दिन भर में 400 रुपये इकट्ठा करते हैं, रात भी जाता है नहीं हो पाता है। इसके बाद में क्या होता है कि वहाँ पर जाने का मतलब 500 रुपये हमको देना पड़ता है, उसके बाद गाड़ी छूट जाए, पूरा नियम कानून सब वहीं खत्म हो जाता है। बस 500 दीजिए, हम लोग का आज हमारी लड़ाई है और हम लोग अभी से ही इस हड़ताल को वापस कर रहे हैं। ये ऑटो चालकों कुछ यातायात पुलिस से कुछ गलतफहमी थी, उस गलतफहमी को लेके जो है इन लोगों में असंतोष व्याप्त था और आज हम लोग सामने इन्होंने अपना ज्ञापन दिया, उसमें अपनी गलतफहमियाँ इन्होंने बताई, तो हमने इनकी गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास किया जिसके कारण ये लोग 100% संतुष्ट हैं और खुश हैं। नहीं, अब कोई कार्रवाई नहीं, ये लोग आए हैं कैसा, हम लोग ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। नहीं, अब कोई ऐसी बात नहीं है, अब फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं है।